हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजीव है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स। सो हमारा टॉपिक है मेथड्स इन जावा। सो सबसे पहले मेथड जो है जावा में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मेथड्स समझ में नहीं आए, जावा में मेथड अगर समझ में आपको नहीं आया तो और कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो इसको सब लोग ध्यान रखना, इस कोर है जावा का, पूरे जावा का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से देखते हैं मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज मेथड, व्हाट इज मेथड, और इसको बेसिकली फंक्शन भी कुछ लोग बोलते हैं, बट फंक्शन अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेथड और फंक्शन में, राइट? सो हम लोग यहाँ पे मेथड बोलेंगे, फंक्शन नहीं बोलेंगे। अगर आपके बुक में फंक्शन दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है, तो कोई इशू नहीं, हम यहाँ मेथड बोलेंगे। ओके, सो व्हाट इज मेथड। सो अब मेथड, आप बहुत जनरली मेथड को ऐसे समझो कि मेथड किसी भी वर्क को परफॉर्म करता है। हर मेथड कोई भी एक स्पेसिफिक काम करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, प्रिंट, तो प्रिंट एक मेथड है, लिखते हैं ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो मेथड की सबसे पहचान ही सबसे बड़ी ये होती है कि कोई भी नाम लिखा हुआ है और अगर उसके आगे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज है, उसके अंदर कुछ लिखा हो ना लिखा हो मतलब नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड। तो प्रिंट क्या है, हमारा मेथड है। ये क्या करता है, जो भी इसके अंदर लिखते हैं प्रिंट कर देता है। ओके, एक किसी और मेथड की एग्जांपल, मेथड की बात करते हैं, नेक्स्ट आईएनटी। देखो इसके आगे भी पैरेंथेसिस ओपन क्लोज है, ये भी एक मेथड है। ये क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। ओके, और कोई मेथड, सो मैथ डॉट पावर, यहाँ मेथड का नाम पॉ है, पी ओ डब्ल्यू। ये क्या है, ये भी एक मेथड है। अगर आप इसको सपोज 2 और 3 पास करोगे तो क्या रिटर्न कर देगा, 2 to the power 3 की वैल्यू रिटर्न कर देगा, यानी 8.0। तो ये सारे मेथड्स है, हर मेथड कोई ना कोई वर्क परफॉर्म करता है, राइट? तो जावा में मेथड दो तरीके के हैं। पहला है प्रीडिफाइंड मेथड। प्रीडिफाइंड मेथड मतलब ऐसे मेथड जो पहले से जावा ने हमको दिया है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, प्रिंट प्रीडिफाइंड मेथड है, पहले हमें प्रिंट को नहीं बनाना पड़ा, जावा के डेवलपर्स ने हमें बना के दे दिया है, राइट? उसी तरीके से नेक्स्ट आईएनटी, नेक्स्ट आईएनटी को हमने नहीं बनाया है, पहले से हमारे पास है, हम बस यूज करते हैं उसका, राइट? पावर, ये सारे प्रीडिफाइंड मेथड है। तो हजारों प्रीडिफाइंड मेथड्स हैं जावा में, राइट? उसी तरीके से हम अपना मेथड बना सकते हैं जावा में, हम अपना मेथड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मैं एग्जांपल देता हूं अपना मेथड क्रिएट करने का क्या मतलब हुआ, राइट? जैसे सपोज आपको 2 to the power 3 कैलकुलेट करना है, राइट? तो इसके लिए किसी लॉजिक, कोई लॉजिक आपको लिखने की जरूरत है क्या 2 to the power 3 कैलकुलेट करने के लिए? नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक मेथड है पावर नाम का। आप क्या करोगे, पावर मेथड की यूज ऐसे करते हैं, मैट डॉट पावर, क्योंकि पावर मेथड स्टैटिक होता है। सो आप क्या करोगे, पावर में पहला पास करोगे 2, दूसरा पास करोगे 3, और इसको एक डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लोगे, डबल ए। और मैट डॉट पावर क्या करेगा, 2 पे 3 को एज ए एक्सपोनेंट रेज करके आंसर दे देगा, यानी 2 to the power 3 कितना यहाँ स्टोर करेगा ए में, 8.0 डबल फॉर्म में स्टोर करता है। तो इसके लिए आपको लॉजिक लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इसके लिए एक मेथड है पावर नाम का, आप सिंपल उसका यूज कर लोगे, आंसर दे देगा। सपोज अगर ये मेथड ना होता पावर नाम का, फिर क्या करना पड़ता, फिर पूरा लॉजिक आपको खुद से लिखना पड़ता है इसका। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, बहुत सिंपल है, 2 नंबर को ऐड करना है, तो क्या कोई पहले से ऐसा बना बनाया मेथड है जिसको हम 2 नंबर दें और हमको ऐड करके बता दे? जैसे पावर मेथड क्या कर रहा था, हम बेस और एक्सपोनेंट दे दे रहे थे और वो हमको रिजल्ट बता दे रहा था। तो ऐड करने के लिए ऐसा मेथड है क्या कोई जिसको हम 2 नंबर दें और वो क्या करे, हमें ऐड करके बता दे? नहीं है, कोई मेथड नहीं है। बट हम चाहें तो अपना मेथड बना सकते हैं जो क्या करेगा, उसको दो, सपोज हमने ऐड नाम का मेथड बनाया है, तो हम जब भी उसको कॉल करेंगे उसको 2 नंबर देंगे और वो क्या करेगा, दोनों को ऐड करके रिजल्ट दे देगा। तो जो मेथड हम बनाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड मेथड, मतलब हमने बनाया, और जो पहले से बना हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, प्री डिफाइंड मेथड। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजर डिफाइंड मेथड की, यूजर डिफाइंड मेथड। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। यूजर डिफाइंड मेथड का सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स आप समझते हो ना, लिखने का तरीका, राइट? रूल्स। तो यूजर डिफाइंड मेथड का सिंटेक्स होगा, ध्यान से समझना इस चीज को, सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर
देन उसके बाद स्टैटिक, देन उसके बाद रिटर्न टाइप, देन उसके बाद मेथड नेम, एंड देन उसके बाद पैरेंथिसिस ओपन क्लोज और पैरेंथिसिस के अंदर पैरामीटर। मैं बस पैरम लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है। ये मेथड का हेड कहलाता है और फिर इसके जस्ट नीचे इसका ब्लॉक, मेथड का ब्लॉक, और मेथड में आपको जो भी लॉजिक लिखना है, सारे स्टेटमेंट। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आगे देखते चलो, समझ में आ जाएगा अभी, राइट? सो स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, ये सारे हमारे क्या है? मेथड्स हैं, सॉरी स्टेटमेंट्स हैं। तो यहां पे ये हमारा मेथड का हेड है, राइट? और ये जो भी हमने ब्लॉक के अंदर लिखा है वो क्या है? मेथड का बॉडी है। ये बॉडी है और ये मेथड का हेड है। अब सबसे पहले मेथड की हेड की बात करते हैं। इसमें कितनी चीजें हैं? मेथड के हेड में सबसे पहले है एक्सेस स्पेसिफायर। अभी जो एक्सेस स्पेसिफायर है, इसकी जगह हम तीन चीज लिख सकते हैं, या तो पब्लिक, या फिर प्राइवेट, या फिर प्रोटेक्टेड। एस्टेटिक, एस्टेटिक क्या होता है, मैं मेथड पढ़ाने के बाद आगे बताऊंगा। तो अभी एस्टेटिक ऑप्शनल है, अभी हम यूज नहीं करेंगे एस्टेटिक, हम लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे जब मेथड बनाएंगे तो। फिर रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप अगेन बहुत शॉर्ट में बताता हूं, इसका मतलब ये होता है कि हमारा मेथड किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। अब डेटा रिटर्न करेगा, इसका क्या मतलब हुआ? सो अगेन हम लोग डिटेल में इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी बस रिटर्न टाइप का इतना मतलब समझ लो कि हर मेथड कुछ ना कुछ डेटा रिटर्न करता है या नहीं रिटर्न करता है। सो अगर हम जो मेथड बनाएंगे, वो मान लो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, नंबर बिना पॉइंट वाला, तो रिटर्न टाइप की जगह लिख देंगे हम INT। अगर मान लो हमारा मेथड पॉइंट वाला नंबर रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न टाइप की जगह हम लिख देंगे डबल। अगर हमारा मेथड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न टाइप की जगह लिख देंगे कैर। और अगर हमारा मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो रिटर्न टाइप की जगह लिख देंगे void, void मतलब nothing, null, okay? So मैंने अभी बोला ना, मेथड डेटा रिटर्न भी कर सकता है, नहीं भी रिटर्न कर सकता है। नहीं रिटर्न करेगा तो हम रिटर्न टाइप की जगह void लिखेंगे, और अगर रिटर्न कर रहा है तो क्या रिटर्न कर रहा है? इंटीजर कर रहा है तो int लिखेंगे, पॉइंट में कर रहा है तो डबल, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट कर रहा है तो कैर। देन मेथड नेम, आप जो चाहो दे सकते हो मेथड नेम, लोअर केस से स्टार्ट होगा कुछ भी। देन पैरम, पैरामीटर भी ऑप्शनल है, अभी छोड़ देते हैं, राइट? पैरामीटर को भी ये खाली रहेगा हमारा पैरेंथेसिस, अंदर पैरामीटर नहीं लिखेंगे, आगे हम बात करेंगे। देन ए ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब क्या? मतलब मेथड से क्या करवाना है, वो सारी लॉजिक यहां लिखेंगे। सो आई होप कि ये पूरा सिंटेक्स क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर की जगह अभी हम लोग पब्लिक ही लिखेंगे जितना मेथड बनाएंगे। और एक्चुअल में पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का क्या मतलब होता है, इस पे हम लोग अलग से एक वीडियो बना के इस टॉपिक को देखेंगे, राइट? सो इसको पहले नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि अभी मैं मेथड एक्चुअल में बनाऊंगा तो आप इस सिंटेक्स की जरूरत पड़ेगी, तो अभी इसको सब लोग नोट कर लो, राइट? इस पे दो तीन चीजें ध्यान रखना। पहला, एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो क्या है, वहां पे हमेशा हम पब्लिक लिखेंगे। एस्टेटिक का भी यूज नहीं करेंगे, अब उसको छोड़ देंगे हम, जब मैं एस्टेटिक पढ़ाऊंगा उसके बाद उसका यूज करेंगे, वो कंपलसरी नहीं है। और पैरामीटर भी अभी हम छोड़ देंगे, वो भी कंपलसरी नहीं है, राइट? तो इतनी चीज का सब लोग अभी ध्यान रखना, ये सारा मैंने मिटा दिया जो नहीं लिखना है, ठीक? फाइन। सो अब बनाते हैं हम मेथड। तो मेथड बनाने के लिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ये हमने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए। अब इस फाइल को पहले सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज, मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूं और इसका नाम दे देता हूं, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। मैं देता हूं एड डॉट जावा, एड नम दे देता हूं, एड टू नम डॉट जावा। ये डेस्कटॉप पे हमारा सेव हो गया। अब प्रोग्राम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे क्लास, क्लास के बाद क्लास का नाम, क्लास का नाम वही होगा जिस नाम से सेव किए हैं। अगर किसी को नहीं पता है सेव करने का क्या रूल होता है, कैसे रन कराते हैं, तो मैं इसके लिए अलग एक वीडियो बना के समझा दूंगा। एड टू नम, ये क्लास हो गया, नीचे क्लास का ब्लॉक, ओके। अब क्लास में हम क्या करेंगे, पहले आप लोग लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, बट अभी पब्लिक स्टैटिक अभी नहीं लिखना है, हम क्या करेंगे, अपना मेथड बनाएंगे। मेथड किस चीज के लिए बनाएंगे, दो नंबर को ऐड करने के लिए, राइट?
सिंटेक्स याद करो, सबसे पहले क्या था, एक्सेस स्पेसिफायर, और मैंने क्या बोला था, एक्सेस स्पेसिफायर की जगह हमेशा पब्लिक लिखेंगे। देन उसके बाद क्या था, स्टैटिक, तो स्टैटिक को छोड़ देंगे। फिर क्या था, रिटर्न टाइप, तो हमारा जो मेथड है अभी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो मैंने क्या बताया था, मेथड जब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो क्या लिखेंगे उसकी जगह, void, रिटर्न टाइप की जगह। फिर मेथड का नाम, तो मेथड का नाम कुछ भी ले सकते हैं, मैं ले लेता हूं यहां पे add, सिंपल, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, पैरेंथेसिस के अंदर क्या था, पैरामीटर, तो पैरामीटर अभी हम नहीं देंगे, मैंने बताया था या अभी उसको रहने देंगे। मेथड के अंदर आते हैं, अब इस मेथड से हमें क्या करवाना है, पहला काम हम चाहते हैं कि ये मेथड दो नंबर यूजर से इनपुट ले, तो यूजर इनपुट लेना है, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, स्कैनर एस सी असाइन विथ न्यू स्कैनर, देन इन पैरेंथेसिस सिस्टम डॉट इन। अब ऊपर इंपोर्ट, हमको इंपोर्ट करना होगा किस पैकेज को, यूटिल को, सो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, राइट। अब हमें क्या करना होगा यहां पे, सो दो वेरिएबल ले लेते हैं, आई एन टी ए कॉमा बी, मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंटर द फर्स्ट नंबर। ध्यान से लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा, जो कंफ्यूजन भी होंगी वो माइंड में दूर हो जाएगा। फिर ए में इनपुट ले लेते हैं, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, देन एक और मैसेज प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंटर द सेकेंड नंबर, और यहाँ पे बी में इनपुट ले लेते हैं, सो बी असाइन विथ एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। अब दोनों को ऐड करना है तो एक और वेरिएबल चाहिए, तो एक और यहीं पे डिक्लेयर कर लेते हैं, आई एन टी सी या फिर रिजल्ट या फिर आर, कुछ भी, आर असाइन विथ, हमारा नंबर किस में है, पहला ए में और दूसरा बी में, दोनों को ऐड कर दिया। अब दोनों को प्रिंट करना है रिजल्ट को, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एक पहले मैसेज दे देते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स प्लस, किसमें रिजल्ट हमारा, आर में, ये हमारा मेथड तैयार हो गया, राइट। ये मेथड क्या करता है, देखो मेथड मतलब एक छोटी सी मशीन, राइट। ये मेथड क्या करेगा, बहुत सिंपल इसका काम है, दो नंबर इनपुट लेगा, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी क्या करता है, यूजर से इनपुट मांगता है, तो हमने दो बार इनपुट लिया है, दो नंबर इनपुट लेगा, फिर दोनों को ऐड करके आर में स्टोर करेगा, फिर रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। मतलब सोचो आपके एक पास एक ऐसी मशीन है कि जब भी उस मशीन को यूज करोगे वो क्या करेगा, यूजर से दो नंबर रीड करेगा, दोनों को ऐड करेगा, रिजल्ट को प्रिंट कर देगा, राइट। अब जितनी बार चाहो इस मशीन का यूज कर सकते हो, फाइन। सो अब एक चीज यहां पे देखो इंपॉर्टेंट, कोई भी मेथड हो, राइट, अगर हमारे प्रोग्राम में जो हमारा जावा का प्रोग्राम होता है उसमें चाहे आप कोई भी मेथड बना लो, ऐड नाम का मेथड बना लो या फिर कोई भी, जितने मेथड बनाने हैं उतने मेथड बना लो, बट उस कोई भी मेथड तब तक रन नहीं करेगा जब उसको दूसरा कोई मेथड कॉल ना करे। मतलब इसको ऐसे समझो, तुम्हारे घर में एक मशीन है, राइट, टी मेकर है, एक मशीन है टी मेकर, वो भी एक मेथड ही है क्योंकि वो कुछ वर्क परफॉर्म करता है, कुछ काम करता है, और एक मशीन तुम हो, तुम भी एक, सपोज एक मशीन ही हो, उसके ऑनर हो, तो ये टी मशीन अपने आप तो टी नहीं प्रिपेयर करेगा ना, जब तुम उसको कॉल करोगे मतलब स्टार्ट करोगे तब बेटी प्रिपेयर करेगा। उसी तरीके से हम जो भी मेथड प्रोग्राम में बनाते हैं, सपोज ये हमारा मेथड है, ये मेथड जब तब तक एग्जीक्यूट अपना काम नहीं करेगा तब तक, जब तक इसको कोई कॉल नहीं करेगा। कॉल कौन करता है मेथड को, कोई भी दूसरा मेथड। जैसे हमारे प्रोग्राम में कितने भी मेथड्स हों बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेन मेथड, जिसका नाम होता है मेन, बहुत बार लिखा होगा सबने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ध्यान हो सिंटेक्स तो, पब्लिक पहले एक्सेस स्पेसिफायर, फिर स्टैटिक, फिर void, मतलब मेन भी कुछ रिटर्न नहीं करता है, फिर मेथड मेन का नाम मेन, और पैरेंथेसिस में क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग ए आर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये पैरामीटर है, इसका मतलब क्या है बाद में जानोगे। तो ये देखो मेन मेथड का भी सिंटेक्स सेम है, राइट।
सो हमारे प्रोग्राम में कितने भी मेथड्स हो, मेन मेथड तो होगा ही होगा. सो हमने यहां जो प्रोग्राम में मेथड बनाया है, इस मेथड को, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब इसको कौन कॉल करेगा, कोई भी दूसरा मेथड. अभी इस प्रोग्राम में ऐड को कौन कॉल करेगा, इस मेथड का नाम क्या है, ऐड ना, तो इसको कौन कॉल करेगा, मेन कॉल करेगा. तो चलो मेन मेथड बनाते हैं. मेन मेथड बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि मेन मेथड नहीं रहेगा तो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा. इसको ऐसे समझो, गाड़ी है, कार है, कार में सारी चीजें हैं, स्टीयरिंग है, राइट, उसका टायर भी है चार ठो, उसमें अच्छी सीट भी लगी हुई है, हर चीज है. बट अगर उस कार में इंजन ना हो तो कार रन करेगा, नहीं करेगा. कि बाकी किसी भी चीज के होने ना होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो इंजन है वो सबसे मेन मेथड है. उसी तरीके से हमारे प्रोग्राम में जो हमारा मेन मेथड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होता है. ओके, तो मेन मेथड कहां बनाएंगे? मेन मेथड हम इस सेम प्रोग्राम के अंदर बना सकते हैं. मेन मेथड हम पूरे प्रोग्राम में कहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. और हम चाहें तो मेन मेथड को एक दूसरे क्लास में भी बना सकते हैं. तो मैं एक दूसरा क्लास बना लेता हूं यहां पे, इस क्लास के ठीक नीचे, क्लास डेमो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं डेमो मेन दे दे रहा हूं. देन इस मेथड हमेशा कहां होगा, क्लास के अंदर, चाहे प्री डिफाइंड मेथड हो चाहे हम जो बना रहे हो, मेथड हमेशा क्लास के अंदर होता है. सो क्लास डेमो मेन, इसके अंदर मेन मेथड बनाते हैं. सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR, ओके. अब हम अपने ऐड मेथड को कहां कॉल करेंगे, मेन के अंदर. तो मेन के अंदर कैसे कॉल करेंगे, मेन के अंदर कॉल करने के लिए पहले हमें इस क्लास, ये जो ऐड टू नम क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा मेन में. अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई नो चीजें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, बट इसको ऐसे समझो. देखो, जावा अगर पढ़ रहे हो ना, तो जावा में ऐसा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐसा एकदम सारी चीज़ें लगातार समझ में आती जा रही हैं, समझ में आती जा रही हैं, तुम्हारा स्लोप बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं. लीनियर लर्निंग नहीं होता. कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो कोई चीज़ समझ में आएगी, फिर वहाँ पे कुछ चीज़ों को तुम्हें जस्ट जैसा है वैसे याद रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ये रूल है. फिर कुछ टाइम तक वो समझ में नहीं आएगा, बाकी चीज़ें चल रही हैं, फिर आगे जाके वो समझ में आएगा, अच्छा इसलिए इस काम को हम करते थे. तो ये चीज़ दिमाग में रखना. बहुत चीज़ें हैं जो अभी बस मैं जैसे बता रहा हूँ कहानी की तरह, सुन लो समझ लो, और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा इसलिए हम ऐसा लिखते थे, राइट. सो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हिंदी लैंग्वेज तो सब लोग क्लास टू और थ्री से ही बोल रहे हो ना, बचपन से. क्या हिंदी का ग्रामर पता था क्या उस समय? नहीं पता था ना. जैसे जैसे बड़े हुए, पढ़ाई किए, समझ में आया. इंग्लिश भी शायद बहुत लोग बहुत छोटे से बोल रहे होंगे, बट उसका ग्रामर पता था क्या? नहीं, जब बड़े हुए समझ में आया. यहाँ भी ठीक वैसे ही है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम बड़े हो जाओगे तो समझ में आएगा, अगले कुछ वीडियोज़ में समझ में आ जाएगा, राइट, कि यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में स्ट्रिंग AR क्यों लिखते हैं, राइट, स्टैटिक का क्या मतलब होता है, सारी चीज़ें. सो हमें मेन में क्या करना होगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा. ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी के लिए ऑब्जेक्ट का मतलब समझ लो कॉपी, मतलब इस पूरे क्लास का एक कॉपी क्रिएट करना होगा, जैसे फोटोकॉपी होता है ना, वैसा ही. कहाँ? मेन के अंदर. तो कॉपी कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए लिखेंगे हम ऐड टू नम क्लास का नाम, देन कोई भी एक वेरिएबल ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, या ओ बी ले लो, जो लेना है ले लो, असाइन विद. अब एक कॉपी जो क्रिएट करता है ना, उसका नाम है न्यू. ये जो फोटोकॉपी करने का काम करता है जावा में, उसका नाम है न्यू. अगर टेक्निकली देखें तो न्यू क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है, ठीक है. तो न्यू क्या करेगा, हमारे ऐड टू नम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, मतलब कॉपी क्रिएट कर देगा. और उसके बाद हम अगेन ऐड टू नम क्लास का नाम लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज. अब ये क्या है ऐड टू नम, हमने फिर क्यों लिखा, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है. तो अगेन कंस्ट्रक्टर तुम्हें शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, नहीं पता है तो अभी बस जान लो, न्यू के बाद फिर क्लास का नाम लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करते हैं. और कंस्ट्रक्टर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, आने वाले वीडियोस में. देन इसके बाद अब देखो यहाँ पे इस लाइन में होगा क्या, कंप्यूटर जब इस लाइन को रीड करेगा तो क्या करेगा, न्यू ऐड टू नम, न्यू क्या करेगा, इस पूरे क्लास का एक कॉपी क्रिएट कर देगा, और उस कॉपी को कहाँ स्टोर कर देगा, ओबी में. मतलब इस क्लास में ऐड टू नम में जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी अब कहाँ हैं, ओबी में भी हैं. क्लियर हुआ?
तो अब हमें क्या करना है, ऐड फंक्शन, हमें दो नंबर मान लो ऐड करना यूजर इनपुट से लेके, तो ऐड फंक्शन को कॉल कर लो। मेन में ऐड फंक्शन कहाँ है, मेन फंक्शन के अंदर। ये मेन मेथड कहाँ से कहाँ तक है, लाइन नंबर 19 से लाइन नंबर 23 तक। तो मेन में ऐड फंक्शन कहाँ पे है, ओबी के अंदर। कैसे, ओबी के अंदर कैसे है, मैंने अभी बताया कि न्यू कीवर्ड क्या करेगा, एड टू नम क्लास का पूरा कॉपी क्रिएट करेगा और उसको किसमें स्टोर कर देगा, ओबी में। राइट, मतलब ओबी में एड, जब पूरा एड टू नम क्लास का एक कॉपी ही अवेलेबल है ओबी में, तो एड भी होगा। अगेन जो मैं बोल रहा हूँ वो टेक्निकली सही नहीं है, क्योंकि ओबी एक रेफरेंस वेरिएबल है, इसमें ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर होता है, बट हम उस डिटेल में जाएंगे। अभी तुम नॉर्मल फ्लो समझ लो, प्रोग्राम मेथड बनाना सीख लो, फिर आगे हम उस डिटेल में भी चलेंगे कि इस लाइन में एक्चुअली में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेमोरी पे इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, वो सारा डिटेल्स हम लोग देखेंगे राइट आने वाले वीडियोज में। सो हमें ऐड को कॉल करना है, तो ऐड कहाँ है, ओबी के अंदर, तो हम लिखेंगे ओबी डॉट, किसको कॉल करना है, ऐड को, सो ऐड हो गया, प्रोग्राम खत्म। अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समझो क्या कैसे होगा। सो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो हमारा इंटरप्रेटर है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना कहाँ से स्टार्ट करता है, मेन से, यानी लाइन नंबर 18 से। ये तुम जो भी लिख दो, हजार पेज का प्रोग्राम लिखो, उसे कंप्यूटर कोई मतलब नहीं है, वो मेन मेथड को खोजेगा। मेन कहाँ है, लाइन नंबर 18, और लाइन नंबर 18 से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। सो लाइन नंबर 18, फिर लाइन नंबर 19, फिर लाइन नंबर 20। तो लाइन नंबर 20 में हमने क्या बोला है कंप्यूटर से, इंटरप्रेटर से, इंटरप्रेटर कौन, जो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करके एग्जीक्यूट करता है। तो लाइन नंबर 20 में हमने क्या बोला इंटरप्रेटर से, कि भाई ऐड टू नम एक क्लास है, तुम क्या करो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, कॉपी क्रिएट करो और उसको ओबी में स्टोर कर दो। तो इंटरप्रेटर जैसे ही लाइन रीड करेगा सेम वही काम करेगा, एड टू नम का कॉपी क्रिएट करेगा, ओबी में स्टोर कर देगा। फिर अगले लाइन में हम इंटरप्रेटर को क्या बोल रहे हैं कि ओबी के अंदर जाओ, ओबी डॉट, मतलब ओबी के अंदर जाओ, तो कंप्यूटर ओबी के अंदर जाएगा। अब एक मिनट के लिए हम इस ऊपर वाले क्लास को ही ओबी मान लेते हैं, क्योंकि ओबी के अंदर भी तो यही सेम चीज़ है ना, इसी को हम मान लेते हैं। तो कंप्यूटर ओबी के अंदर जाएगा और ओबी के अंदर किसको ढूंढेगा, ऐड को, और फिर क्या करेगा, ऐड फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। फिर जस्ट गिव मी अ मिनट, फिर क्या करेगा, जो हमारा ऐड फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या क्या होगा, दो नंबर इनपुट मांगेगा, फिर दोनों को ऐड करेगा, फिर रिजल्ट प्रिंट कर देगा, सिंपल। और जैसे ही ओबी के अंदर फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश होगा, कंप्यूटर वापस लौट के लाइन नंबर 21 पे आएगा, फिर नीचे बढ़ेगा लाइन नंबर 22, 23, 24 पे मेन खत्म, मेन मेथड खत्म। तो मेन मेथड एंड होते ही प्रोग्राम एंड, अब कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यानी कि अगर हमें ऐड मेथड को कॉल ना करें, हम इसको कमेंट में कर दें, तो ऐड मेथड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, मेन कॉल करेगा तभी एग्जीक्यूट होगा, या कोई भी और मेथड। सो चलो इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। अच्छा, सेव करने से एक चीज़ और चेंज मैं कर लूँ पहले यहाँ पे। मैंने प्रोग्राम को सेव किया है ऐड टू नम नाम से, ठीक है, और हमारे ऊपर वाले क्लास का नाम क्या है, ऐड टू नम, बट इसका मैं क्लास नेम चेंज करके ऐड टू कर देता हूँ बस। और नीचे वाला क्लास जिसमें मेन मेथड है उसका नाम मैं कर देता हूँ ऐड टू नम। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हम फाइल को सेव करते हैं तो जो मेन क्लास का नाम है, मतलब जिस क्लास में मेन मेथड है उस क्लास का जो नाम है उसी नाम से सेव करते हैं। तो हमने ऐड टू नम नाम से फाइल को सेव किया हुआ है, तो हमारा मेन क्लास का नाम ऐड टू नम होना चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर वाले का कुछ और कर दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं, फाइल सेव, एग्जीक्यूट करते हैं, तो टर्मिनल ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल। अब टर्मिनल ओपन हो गया, तो प्रोग्राम कहाँ है, डेस्कटॉप पे ना, तो सीडी, सीडी मतलब क्या, चेंज डायरेक्टरी, सी फॉर चेंज, डी फॉर डायरेक्टरी, मतलब हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, डायरेक्टरी चेंज करो और कहाँ जाओ, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे आ गए। और डेस्कटॉप पे ही हमारा प्रोग्राम है, तो पहले किसको बुलाएंगे, पता है ना सबको, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दो ट्रांसलेटर हैं हमारे जावा में। कंपाइलर एरर चेक करता है, फिर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो हम पहले कंपाइलर को बुलाएंगे, जावा सी, और फिर प्रोग्राम का नाम क्या है, ऐड टू नम डॉट जावा, एंटर, अगर एरर होगा तो बता देगा। सो ओके, एरर है, क्या एरर है, ओबी डॉट ऐड पे कुछ एरर दिखा रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्यों एरर दिखा रहा है, ओके
अच्छा ऊपर क्लास का नाम मैंने चेंज कर दिया ना, ऐड टू कर दिया है ना, तो यहाँ पे तो मैं ऐड टू नम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये देखो, तो मुझे यहाँ भी तो चेंज करना होगा, ऐड टू ही करना होगा जो ऊपर ले क्लास का नाम है। सो ऐड टू, सेव कर लेते हैं फिर से इसको, फाइल सेव जावा सी ऐड टू नम डॉट जावा, देखो कोई एरर नहीं है। अब रन करते हैं, रन कैसे करेंगे, अब इंटरप्रेटर को बुलाएंगे, इंटरप्रेटर का नाम क्या है, जावा, और फिर ऐड टू नम, ये देखो, एंटर द फर्स्ट नंबर 5, एंटर द सेकंड नंबर 7, आ गया सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल 12, कितना सही है। अब देखो देखो फंक्शन मेथड बनाने का फायदा क्या है, अब इस मेथड को तुम जितनी बार चाहो कॉल करो। फिर से मैं कॉल करता हूँ ओ बी डॉट एड को, ओ बी डॉट एड। अच्छा अब देखो क्या होगा, फिर से एक बार समझो, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 18 मेन से स्टार्ट होगा कंप्यूटर, फिर लाइन नंबर 19 पे जाएगा, फिर लाइन नंबर 20 पे जाएगा, ठीक। तो लाइन नंबर 20 पे क्या करेगा, ऐड टू जो क्लास है, ऊपर जो क्लास है उसका कॉपी क्रिएट करेगा, और कॉपी को किस में स्टोर कर देगा, ओ बी में। फिर लाइन नंबर 28 पे क्या होगा, ओ बी डॉट ऐड, मतलब हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं ओ बी के अंदर जाओ और फिर ऐड को एग्जीक्यूट करो, तो कंप्यूटर ओ बी के अंदर जाएगा। अब भाई ओ बी के अंदर तो बिल्कुल यही क्लास है ना, यही तो क्लास का कॉपी स्टोर है ओ बी में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ओ बी हम अलग से बना के दिखाऊंगा नहीं, तो यहीं पे मान लेते हैं यही हमारा ओ बी है, ऊपर वाला क्लास, राइट। तो ओ बी डॉट ऐड, तो कंप्यूटर ओ बी में गया और ओ बी में किसको एग्जीक्यूट करेगा, ऐड फन मेथड को, तो इसको, तो क्या करेगा, एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर इनपुट, फिर एंटर द सेकंड नंबर, फिर इनपुट, दोनों को ऐड करेगा, रिजल्ट प्रिंट करेगा। फिर लाइन नंबर 14 में ऐड मेथड फिनिश, वापस लौट आएगा, कहाँ, लाइन नंबर 21 पे, फिर नीचे बढ़ेगा लाइन नंबर 22 पे, तो फिर से ऐड कॉल हो गया, तो फिर ओ बी में जाएगा, यहाँ ऊपर ओ बी में, और फिर किसको एग्जीक्यूट करेगा, ऐड को, तो फिर ऐड मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो फिर से एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, रिजल्ट प्रिंट कर देगा। चलो रन करते हैं, सेव करते हैं, सो टर्मिनल हमारा, इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। सो जावा सी ऐड टू नम डॉट जावा एंड देन जावा ऐड टू नम, एंटर द फर्स्ट नंबर 22, एंटर सेकंड नंबर 7, देखो रिजल्ट 29 आया, और उसके बाद फिर से आ गया एंटर द फर्स्ट नंबर, मतलब लाइन नंबर 22 वाला वो भी डॉट ऐड, फिर कॉल हो गया, तो मैं देता हूँ 9 और 77। देखो तीन बार करो, चार बार करो, और जरूरी नहीं है कि तुम एक ही मेथड बना सकते हो ऐड टू क्लास में, तुम एक से ज़्यादा मेथड बना लो। देखो मैं एक और मेथड बना लेता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ और इसके नीचे एक और मेथड बना लेता हूँ मल्टीप्लीकेशन के लिए, राइट। मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूँ और मैं इसका नाम देता हूँ ऐड की जगह प्रॉड, प्रॉड ए मल्टीप्लाई करेगा। और अच्छा आप देखो, अब हमें यूजर इनपुट दोनों में लेना है, ऐड मेथड में भी लेना है और प्रॉड मेथड में भी लेना है, तो स्कैनर वाली लाइन, जिस मेथड में भी इनपुट लेना होता है वहां पे स्कैनर वाली लाइन लिखनी होती है, राइट। तो दोनों मेथड में इनपुट लेना है ना, तो स्कैनर वाली लाइन को हम दोनों मेथड से बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकाल के कहां लिख देते हैं, क्लास के अंदर, मेथड के बाहर बट क्लास के अंदर। इससे क्या होगा, एड टू में जितने मेथड हैं सारे मेथड अब फिर एस सी का यूज कर पाएंगे, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं स्कैनर एस सी असाइन विथ न्यू स्कैनर देन इन पैरेंथिसिस सिस्टम डॉट इन। अब बेसिकली समझो यहां पे क्या हो रहा है, एक क्लास के अंदर आ गया, क्लास हमारा कहां, क्लास का ब्लॉक कहां कहां से है, येलो वाली लाइन देखो, लाइन नंबर 3 से लेकर लाइन नंबर 25 तक, और इस क्लास के अंदर दो मेथड है, कौन से, ऐड और प्रॉड, और ये जो सिस्टम स्कैनर वाली लाइन है ये दोनों क्लास के, दोनों मेथड के बाहर है, मतलब ये दोनों मेथड ही इसका यूज कर सकते हैं, राइट। अगर हम मेथड के अंदर स्कैनर वाली लाइन को लिखेंगे तो दो बार लिखना पड़ेगा, एक बार ऐड के अंदर और एक बार प्रॉड के अंदर। तो चलो यहाँ भी हम दो नंबर इनपुट ले लेते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आर असाइन विथ आर इन टू आर असाइन विथ ए इन टू बी, और फिर यहाँ पे सम नहीं प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट अप टू नंबर्स इक्वल्स टू आर। अच्छा आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार वेरिएबल तो मैंने सेम लिया है, ए एड मेथड में भी ए और बी नाम का वेरिएबल है और प्रॉड में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लोकल वेरिएबल्स डिफरेंट हो सकते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होता है? मेथड के अंदर जो वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। तो जो इस एड के अंदर, ये जो एड का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, लाइन नंबर 6 से लाइन नंबर 14 तक। तो जो ए और बी है ना, इन ए दोनों, ए और बी का एग्जिस्टेंस यहीं पे है बस एड मेथड के अंदर, इसके बाहर इनको कोई नहीं जानता है। उसी तरह प्रॉड का जो ए और बी है वो लाइन नंबर 16 से लाइन नंबर 24 तक, इसी के अंदर इनका एग्जिस्टेंस है। तो तुम सेम नाम का लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगेन प्रोग्राम को, अब मैं प्रॉड को कॉल कर लेता हूँ। चलो अभी शुरू में मैं प्रॉड को कॉल नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एड को कॉल करता हूँ, देखना प्रॉड एग्जीक्यूट होगा कि नहीं। मैं शुरू में सिर्फ सेव कर लेते हैं, सेव, और यहाँ पे जावा सी एड टू नम डॉट जावा, और उसके बाद जावा एड टू नम, एंटर द फर्स्ट नंबर 5, एंटर सेकंड नंबर 7, राइट। सो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हुआ। अब प्रॉड को देखो, प्रॉड एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना, है उसके बाद भी, क्योंकि किसी ने कॉल नहीं किया उसको। अब हम प्रॉड को भी कॉल कर लेते हैं, ओ बी डॉट प्रॉड। तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? ऐड, उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा? प्रॉड। सो देखो कंपाइल, फिर रन, एंटर द फर्स्ट नंबर 1, एंटर सेकंड नंबर 4, देखो सम ऑफ टू नंबर्स 5, और फिर एंटर द फर्स्ट नंबर, और प्रॉड वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। सो 9 और 4, देखो प्रोडक्ट टू नंबर इक्वल 36। उसी तरह तुम चाहो तो पहले प्रॉड को कॉल कर लो, तुम चाहो तो पहले प्रॉड को कॉल करो, जिसको जैसे कॉल करोगे वैसे एग्जीक्यूट होगा, कोई मतलब नहीं है कौन सा मेथड पहले बनाए कौन सा बाद में बनाए। तो मैं ओबी डॉट एड को बाद में कॉल करता हूँ, तो पहले प्रॉड एग्जीक्यूट होगा फिर एड एग्जीक्यूट होगा। सो पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 7, देखो प्रोडक्ट टू नंबर 28, फिर 5, 7, देखो सम। सो इतना क्लियर हुआ, आई होप सबको इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्लास में हम लोग टाइप्स, मेथड को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, अब वहाँ पे स्टैटिक का मतलब, सॉरी पैरामीटर का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो बेसिकली मेथड को, ये मेथड हम 4 तरीके का बना सकते हैं। अभी जो हमने मेथड बनाया है इसमें पैरामीटर नहीं है, और ये मेथड कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इस मेथड को हम बोलेंगे, किस टाइप का मेथड है? नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, मतलब ना इसमें पैरामीटर है, सॉरी ना पैरामीटर है ना कुछ रिटर्न कर रहा है, तो नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर है। अब ऐसे 4 तरीके से हम बना सकते हैं, अगले वीडियो में मैं इसी को डिस्कस करूंगा। और देखो मैंने बोला था ना कि हर मेथड को कोई ना कोई कॉल करता है, तो कौन कॉल कर रहा है यहाँ पे? मेन। अब ये मेथड जो है हमारे, वो चाहे तो मेन को डेटा रिटर्न भी कर सकते हैं कुछ, वो सब मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा, मैं आज बस यहीं पे रोकता हूँ। इसके अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 4 तरीके से मेथड हम कैसे बना सकते हैं। फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग, ये जिस लाइन को मैं बोल रहा हूँ कि हम कॉपी कर रहे हैं, बेसिकली हम, वो तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इस लाइन में हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, काम कैसे कर रहा है, इस सारे डिटेल्स हम लोग अगले के अगले वीडियो में देखेंगे। अभी इसके अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ मेथड, और उसके बाद अगले वीडियो में ऑब्जेक्ट पूरा कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोग्रामिंग में क्या ऑब्जेक्ट है, और उसके अगले वीडियो में एस्थेटिक क्या है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।